नमस्कार, मेरा नाम नीरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहलवान टाइप का आदमी है, रुआबदार मूंछें, दोनों हाथों में बंदूकें, बाएं हाथ में 3 पिस्टल, दाएं हाथ में मॉडिफाइड राइफल, पीछे से म्यूजिक सिस्टम चीख रहा है, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन पहलवान माफ करने के मूड में कतई नहीं है। दोनों हाथों से पिस्टल लहरा रहा है, जैसे कोई ओझा बकरी की बलि देने से पहले झूमता है। पहलवान के हाथ में, मुंह में बारूद और घुटने पर शराब का ग्लास रखा है। 2-3 पुछल्ले भी हैं जो सरकार के डांस से कोरस मिला रहे हैं। पहलवान बीच बीच में किसी की माँ बहन के जिस्म का एक खास हिस्सा याद किए जा रहा है। अगर उत्तराखंड की कोई माँ हो तो उसे भी पहलवान कार्य विशेष के लिए याद कर रहा है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, पहले ये वीडियो देख लें। हिंदुस्तान, उत्तराखंड, जिन शख्स का वीडियो आपने देखा, ये कौन है? प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड के खानपुर से विधायक हैं और दबंग विधायक हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। कुछ लोग जनसेवा में विख्यात होते हैं और कुछ कुख्यात। ये वाले राणा जी कुख्यात हैं। प्रेस मीडिया तक को कुछ नहीं समझते हैं। कभी प्रेस को धमका देते हैं तो कभी उत्तराखंड की पुलिस को नामर्द बताते हैं, कभी पूरा उत्तराखंड जलाने की धमकी देते हैं तो कभी सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री पर सरेआम थूकने की बात कहते हैं। हालांकि चैंपियन ने आज तक के रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने अपने किए हुए व्यवहार के लिए फिलहाल माफी मांग ली है। चैंपियन ने कहा कि शराब के नशे में जो मुझसे गलती हुई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा तो हम्बल समिशन ये पूछने का है कि सब क्या नेगेटिविटीज दिखाएंगे? जो पॉजिटिव काम हम कर रहे हैं, विकास पुरुष का तमगा मेरे ऊपर लगा है। एक विधानसभा से लगातार 7 चुनाव जीता हूं, 4 विधायक के, 3 जिला पंचायत के। क्यों जीते हैं? लेकिन उसमें कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें गाली गलौज दी गई है उस वीडियो के अंदर, तो उस पे आपका कहना? हाँ, उस पे हम क्षमा चाहते हैं। देखिए, नशे की हालत में वो था, ज्यादा शराब पी लिया होगा, हो जाता है अक्सर। मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, जहां मैं गलत हूं मैं हूं। लेकिन मेरा इतनी आपसे प्रार्थना है कि जो मेरे पॉजिटिव कार्य हैं उनका भी उल्लेख किया करें। नेगेटिव हैं तो ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं गलत हूं तो हूं, लेकिन उसमें उसको एडिट कर दिया गया। हमारे प्रदेश के लिए हमसे कहा गया कि अपशब्द बोल रहे हैं। मैं तो प्रदेश का बहुत सम्मान करता हूं, देवभूमि हमारी मातृभूमि, हम कैसे उसका इस तरह से बात करेंगे? लेकिन डिट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने ये एडिटिंग की है, मेरे खिलाफ साजिश है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, आपके वीडियोस सामने आए हैं, आपकी कुछ और बहुत सारी बातें सामने आई हैं। हरक सिंह रावत जैसे नेता के सामने घर पे एक गोली चलाने वाला कांड है, वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। हमने कहाँ चलाया वो? हमने कहाँ चलाई बताई, कहाँ पे मेंशनड है? दूसरा, अभी कोई सज्जन होटल की बात कर रहे थे, मैंने कहा भैया मुकदमा चला, हम बरी हुए, क्योंकि झूठा मुकदमा था। राजनीति में भाई साहब, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते, आज तक किसी की प्रॉपर्टी नहीं कब्जाई, किसी के 500 रुपये उधार नहीं बता सकते कि 100 रुपये कुंवर प्रणव सिंह के ऊपर उधार हैं, किसी की बहू बेटी से बेइज्जती नहीं की होगी, सबका सम्मान करते हैं, चरित्रवान व्यक्ति हूँ, ताकतवर व्यक्ति हूँ। 53 साल में जो फिजिकल फिटनेस मेरी है, किसी 4 बार के विधायक के हिंदुस्तान में दिखा दीजिएगा, दूसरे की मुझ कटा दूंगा, आपने चैलेंज देता हूँ, हाईली क्वालिफाइड हो। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एबिलिटीज, मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल फिटनेस, जो मैं एज को डिफाई कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद के चिरयुवा के सिद्धांत को मैं पालन कर रहा हूँ, उसको नहीं दिखाएंगे। चैंपियन साहब, पार्टी ने पहले ही 3 महीने के लिए आपको निष्कासित किया हुआ है, और अभी बात ये भी हो रही है कि आपको निकाला जा रहा है पार्टी से। देखिए साहब, पार्टी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं अनुशासित सिपाही हूँ, मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे अधिकारी हैं, उनका जो आदेश होगा सर्वमान्य है, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं स्पष्टीकरण अपना दूंगा। चैंपियन ने खानपुर से 2012 में चुनाव लड़ा और जीता। खानपुर असल में उसी लक्सर सीट से अलग होकर नई विधानसभा सीट बनी है, जिससे प्रणव सिंह चैंपियन 2 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2016 में चुनाव से पहले चैंपियन भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल विधायक जी पार्टी से बाहर चल रहे, निलंबित किया हुआ। अपने बयानों की वजह से पार्टी ने 3 महीने के लिए बाहर निकाल दिया था। ऐसा नहीं है कि चैंपियन का कोई वीडियो पहली बार आया है। प्रणव सिंह चैंपियन के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, चाहे अपने ही दफ्तर में बार डांसर बुलाकर नचवाने का वीडियो हो या बार में जाकर दोनों हाथों में पिस्तौल लिए डांस का वीडियो।
चैंपियन की ये वीडियो लीला अपरंपार रही है। वीडियो आते रहे हैं, सुर्खियां बनती रही हैं। सारे वीडियो में कॉमन क्या है? बेशर्मी। यही कॉमन है। एक चीज होती है स्टिंग। दारू के नशे में नेता ये नहीं समझ पाते कि वीडियो बन रहा है। भीतर का बंदर बाहर कुलांचे भरने लगता है। बाद में वीडियो रंजिशन वायरल कर दिया जाता है। यही पैटर्न है। लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन की वीडियो जब भी आए बेधड़क आए, चाहे पत्रकार को पिस्तौल दिखाना हो या उत्तराखंड को जलाने की धमकी देना हो, कहीं डर नहीं है। चैंपियन कैमरे की आंख में आंख गड़ाकर अपनी बात कहते हैं, कांड करते हैं। इसी बार जो वीडियो वायरल हुआ वो भी बिना किसी झिझक के बनवाया गया है। यही ठसक चैंपियन की परछाई है। और कानून ने कभी इतना अंधेरा कभी नहीं होने दिया कि चैंपियन की परछाई गायब हो जाए। उसकी वजह भी है, चैंपियन के रसूख सत्ता के गलियारों में मजबूत रहे हैं। योगी हूं या अमित शाह, बिगाड़ किसी से नहीं किया। उत्तराखंड बीजेपी ने इस पर क्या कहा? कठोर कदम उठाने टाइप की बात कही है। उत्तराखंड के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता अनिल बनूली राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने प्रणव सिंह के वायरल वीडियो की आलोचना करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई है। जिस वीडियो के लिए 3 महीने से निलंबित चल रहे हैं वो वीडियो हम लोगों ने भी देखा है, हम उसकी निंदा करते हैं। बीजेपी इस तरह की चीजों में सहन करने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी ने संज्ञान लिया है, उत्तराखंड की पार्टी इकाई है और उसके साथ बातचीत करके उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल विधायक जी मस्त हैं, हमारे लोकतंत्र और भविष्य का हिस्सा है चैंपियन, प्रतिनिधि जिसे चुना गया। टेप रिकॉर्डर करा रहा है, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन राणा जी मैयत के भजन पर भी नाचने की कुव्वत रखते हैं, नाच रहे हैं। शराब और बारूद की सियाही से नए भारत का नया रास्ता बन रहा है। कमर कस लीजिए, दूर तलक जाना है। मेरा नाम नीरज है, ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे नए दोस्त सागर थे। शुक्रिया।